सब्सक्राइब करें टेक्निकल सूरज को और दबाए बेल आइकन और पाए हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप एक म्यूज़िक लवर हो और आप हर टाइम म्यूज़िक को सुनते हो, आपको सुनना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा म्यूज़िक प्लेयर देने वाला हूँ जिसका यूज़ अगर आप करते हो तो आपका जो म्यूज़िक सुनने का एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको इस म्यूज़िक प्लेयर से प्यार भी हो जाएगा। अब दोस्तों, ये एप्लीकेशन कौन सी है, कहाँ से इसको डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इसको यूज़ करना है, सारी चीज़ें आपको बताने वाले इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल सूरज। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आज की जो हमारी एप्लीकेशन है उसका नाम क्या है। दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम है म्यूजिक हीरो प्लेयर। अब इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैंने पहले ही डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आपको उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में करना है इंस्टॉल और यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को करना है ओपन। ओपन होने के बाद यहाँ पे ये दो परमिशन मांगेगा, तो आपको उन दोनों परमिशंस को अलाउ कर लेना है, तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरीके को देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन देखने को मिलता है वो है सॉन्ग्स का, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप आर्टिस्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमारे जितने भी सॉन्ग्स होंगे उनके जो आर्टिस्ट होंगे वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एल्बम प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सर्च बार भी मिल जाएगा जिसे आप अपनी म्यूज़िक को सर्च करके भी सुन सकते हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है तो। अगर आप थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको म्यूज़िक, फ्री म्यूज़िक, रिंगटोन मेकर, थीम्स, इक्वलाइज़र, आपको ढेरों सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसका यूज़ आप कर सकते हो। अब मान लीजिए अगर आप इस प्लेयर का थीम चेंज करना चाहते हो तो आपको थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारी थीम्स देखने को मिल जाएंगी जिसे आप अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप चाहते हो कि जो आपका बैकग्राउंड इमेज है वो थोड़ा ब्लर दिखे, तो यहाँ पे आपको ये ब्लर वाला ऑप्शन जो है आपको इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना है, तो आपकी जो इमेज है वो ब्लर हो जाएगी बैकग्राउंड वाली। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि नहीं, मैं अपना एक खुद का कस्टम डिज़ाइन किया हुआ इमेज लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो प्लस वाला आइकन है सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी इमेजेस को सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे जो हमारा म्यूज़िक प्लेयर है उसके अंदर ये थीम के रूप में तैयार हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है इस प्लेयर को यूज़ करने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई भी एक म्यूज़िक प्लेयर को चला लेता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। अब गाइज, मान लीजिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इमेजेस और आपका जो हमारा सॉन्ग है वो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। अब आप चाहते हो कि ये जो मेरा इमेज है ये चेंज हो जाए, तो यहाँ पे हार्टबीट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो हमारा म्यूज़िक प्लेयर है वो कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। आप चाहते हो कि जो हमारा इफेक्ट हो थोड़ा चेंज हो जाए, तो यहाँ पे आपको इसको साइड वाले जो बार है उसको आपको चेंज करते रहना होगा, तो यहाँ पे जो आपको फील देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह को देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है इस म्यूज़िक प्लेयर के अंदर। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अब गाइज, यहाँ पे आपको फ़िल्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर आप अपने म्यूज़िक को इक्वलाइज़ कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है कि आप इसे करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे आप अगर थ्री डॉट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको स्लीप, स्पीड, एटलिस्ट एंड रिंगटोन का भी ऑप्शन मिल जाएगा जिसे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यार ये जो एप्लीकेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको दबाना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल। सो नमस्कार, बाय बाय, सलामत रहें।